स्टार प्लस के शो दी और बातें हम की भाभू यानी नीलू वगैरह आज हर घर में एक जाना पहचाना नाम है। शो में भाभू ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं और एक एक्ट्रेस के तौर पर नीलू ने अपने कैरेक्टर को काफी इंजॉय किया है। आइए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया सफर है जो शुरुआत हुआ है। देखिए, 4 साल से दिया बाती को लोग पसंद कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, तो एक नए लोगों का भी स्वागत है इसमें। और हम तो यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छी सीख दे सके, मैसेज पहुंचा सके लोगों तक, और बड़े ही नेचुरल ढंग से पहुंचा सके। हम इसको बहुत ही गिमिक टाइप और वो नहीं करना चाहते हैं। जो शशि मैम है, सुमित सर है, जो मेरे डायरेक्टर्स हैं मकबूल सर, आकाश, और जो कैरेक्टर्स है, एक जो जैसे संध्या है, तो संध्या ने हमेशा मैसेज ही दिया है लोगों को। सूरज है एक आइडल पति, आइडल बेटा, और भावो जो है वो समझ सकते हैं, बहुत ही कड़क है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड है और परिवार को जोड़ के चलना चाहती है। तो उसके साथ भी बहुत सारे हादसे हुए हैं। और अब क्योंकि आरजू और छोटू नया सफ़र जो उनका स्टार्ट हुआ है, आई थिंक लोग उन्हें बहुत पसंद भी कर रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं वो लोग। और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि उनको सपोर्ट कीजिए और भी प्यार दीजिए, दिया बाती को प्यार दीजिए। सूरज और संध्या की जोड़ी जो है वो दिया और बाती की जोड़ी है। आई थिंक हर इंसान चाहेगा कि ऐसी जोड़ी मिले, ऐसा प्यार मिले, ऐसा विश्वास मिले जो पति पत्नी के बीच में होता है। शायद 10% भी आ जाए लाइफ में तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आज की ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपने पत्नी के लिए, अपने माँ के लिए, अपने परिवार के लिए इतना समय दे सके। दैट इज़ दिया बाती। आपके कैरेक्टर की बात की जाए तो बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए हैं, तो आपने क्या सीखा है अपने कैरेक्टर से? एक्चुअल देखा जाए तो मैंने जब भाभो का कैरेक्टर किया तब मैं इतनी ध्यान नहीं दे पाती थी। मैं समझती थी कि ठीक है, चलो यार, मैं अपना काम कर रही हूँ तो मेरे पास ये फॉर्मेलिटीज़ है, ये घर संभालना है, ये करना है, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे वो कैरेक्टर में करती गई और पता नहीं मुझ में अंदर ही एक फीलिंग्स आती गई कि नहीं यार, ऐसी लेडी घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बंदी भी घर चला रही है, वो बंदी भी पूजा कर रही है, वो बंदी सारे घर से बुराई लेकर के लेकिन सच्चाई का साथ जरूर दे रही है। तो दैट इज भावो। तो आज जो हमारे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते थे, हम उनकी चीज़ों को बड़ा निग्लेक्ट करते थे। अरे यार, ये दादी जी है ना, अभी दिमाग की दही कर डालेगी, अभी आएगी तो सीधा लेक्चर ही चालू हो जाएगा इसका। अरे तूने ये यहाँ पे क्यों रखा, अरे डब्बा यहाँ क्यों पड़ा, अरे वो, अरे वो देख उसने जूते तक वही खोल लिए, अरे वो मेरा मंदिर है, मंदिर में मत घुसना। तो ऐसा लगता था इरिटेटिंग, अरे यार इसको क्या पता कितने धूप में से कितने धक्के खा के मैं आई हूँ। अब वो लगता है कि यार वो जो चीज़ थी, अगर आप अपनी रूटीन लाइफ में उस चीज़ को मेंटेन करें तो आगे जाके ज़िंदगी में कभी आप दुखी नहीं होंगे। तो आई थिंक आई स्टार्टेड दैट थिंग कि मैं अपने शूज़ अपनी जगह पे रखती हूँ, जब मेरे पर्स होता है मैं अपनी जगह पे ले जाके रखती हूँ, मुझे अगर पानी पीना है तो मैं उठ के पानी पीती हूँ। मैं किसी से ये नहीं कहती कि नहीं प्लीज़ यार मुझे पानी दे दो, नहीं, अपनी चीज़ है, हमें खुद को करना है। तो द भाभो द कैरेक्टर आइकॉन कैरेक्टर बन गया, लोगों ने इतना प्यार दिया इस कैरेक्टर को, जबकि मैं एकदम रिवर्स थी। मैं इतना हंसती थी और पूछो ही मत, मतलब कोई किसी ने कुछ बोल दिया मैं हैं चालू हो जाता था, किसी ने कोई अपनी इमोशनल कहानी सुना दी तो मेरे आंसू दर 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 शुरू हो जाते थे। बट मैं सोचती थी कि यार उस बंदी के सामने उसका बेटा घर छोड़कर जा रहा है तो भी वो बंदी पहाड़ की तरह खड़ी है। मतलब सोचो अंदर कितना स्टैमिना होगा उस कैरेक्टर के, कि एक बेटा बहू घर से निकल रहे हैं और फिर भी वो वैसी खड़ी है, कह रही है कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वो आएगा पर मैं अपनी जगह सही हूँ। तो ये जो कैरेक्टर्स थे, तो इट इज़ आइकॉन, एंड आई थिंक आई एम वेरी लक्की कि मैं फर्स्ट टाइम टेलीविजन इंडस्ट्री कर रही हूँ और मुझे इतना प्यारा कैरेक्टर मिला। आई रियली थैंक्स टू स्टार प्लस, आई रियली थैंक्स टू शशि सुमित प्रोडक्शन, शशि मैम, सुमित सर, एवरीबडी, माई फुल टीम। क्योंकि जिंदगी में एक सपना होता है कि मुझे एक करना है, एक कैरेक्टर करना है, आई थिंक वो सपना मेरा पूरा हो गया। इट इज़ वर्सटाइल कैरेक्टर एंड आई रियली इन्जॉय
डूइंग दिस कैरेक्टर. मैं कई बार रियल रोने लग जाती हूँ. मुझे ऐसा लगता है मेरा बेटा केजर ही खड़ा है, जैसे सूरज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरज इज जस्ट लाइक माई केजर, माई सन. वो अगर मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं क्या बिहेव करूँगी. तो सेम थिंग, अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि आधी तो मैं भावो बन ही गई हूँ, चाहे कितना ही बच लूँ, लेकिन 50% भावो मेरे में आ गया है. रियल में आप कैसे बोलना चाहेंगे अपने बेटे के लिए? देखो मैंने कहा ना, ये सपने की दुनिया है. नेचुरली मैं संध्या जैसी चाहूँगी, बट जो भी मेरे बेटे को पसंद होगा मैं उसकी खुशी में खुश रहना चाहूँगी. आई थिंक भावो ने भी वही किया, सूरज की खुशी में ही वो खुश रही, तो मैं भी अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहूँगी. हाँ, कोशिश करूँगी उसको संध्या बनाने की. कुछ परसेंट तो बन ही जाएगी. बात की जाए मूवीज की, आप मूवीज भी राजस्थान में काफी करती हैं. या अभी मेरे हस्बैंड का एक नया प्रोडक्शन गया है हीरोगिरी, उसमें मैं नहीं जा पाई. मेरे बेटे ने अभी जस्ट शूट किया है, वो लोग कल मॉर्निंग आ जाएंगे. तो ब्यावर में शूटिंग चल रही है, मैं उसमें राधा बनने वाली हूँ. कृष्ण जी राजा हसन बन रहे हैं, जो काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, और मेरे ख्याल से वो किसी चैनल से वो जीते भी थे, राजा हसन जी. वो कृष्ण बने हैं, मैं राधा बनूंगी, लेकिन उसकी शूट में बॉम्बे करने वाली हूँ. तो भावो की ज़िंदगी अभी यही हो गई है कि डेली सोप, वीक में 7 दिन है हमारा राम जी. तो बड़ी मुश्किल से राधा का रोल भी करूँगी, आप लोग देखिएगा, इंजॉय करेंगे. वो हिंदी एंड राजस्थानी बाय लैंग्वेज में बन रही है. कोशिश मेरी है, जब तक दिया बाती है तब तक तो साथ देती रहूँगी, और आप लोग भी मेरा साथ देते रहिएगा उम्मीद के साथ कि एक बहुत कम नसीब वाले कलाकार होते हैं जिनको इतना अच्छा कैरेक्टर मिलता है. आई रियली सल्यूट टू भावो, रियली गुड मदर. हम तो यही चाहेंगे कि नीलू अपने ऑडियंस को यूं ही एंटरटेन करती रहें और अपने दर्शकों का दिल जीतती रहें. अन्वेषा कमल, कैमरामैन मंगेश, इंडिया फोरम्स, मुंबई. Hi, this is Neelu Vagela. You're watching me on India Forum. Please subscribe to their YouTube channel, India Forums.